के छज्जे पर चढ़िए तो पासी के नदी बहती है और यहाँ से निकलता है लाल सोना। लाल बालू जिसे बांदा में लाल सोना भी कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे तमाम ऐसे मजदूर हैं यहाँ पर, स्थानीय लोग जो आसपास इस केन नदी के किनारे रहते हैं, उनको दरअसल परमिशन है कि ये थोड़ा बहुत बालू नदी से निकालकर बोरे में ले जाकर बेच सकते हैं। लेकिन यही जब अवैध माफिया के शिकंजे में आ जाता है तो फिर इस हिस्से को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। उस पर नकेल लगाने की कोशिश कई बार की गई लेकिन पूरी तरह से कामयाबी आज तक भी नहीं मिल पाई है। आपको बताते चले, ये वो लाल बालू है जिसकी एक ट्रक की कीमत तकरीबन 1,00,000 रुपए होती है। इसी केन नदी से निकलती है ये जादुई पत्थर। सुनकर भले ही हैरानी हो मगर प्रदेश की इकलौती नदी है जो पत्थरों पर रंगीन चित्रकारी करती है। बांदा की ये केन नदी है जो पत्थरों पर रंगीन चित्रकारी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। प्रदेश की इकलौती ये ऐसी नदी है जहाँ के भीतर जो पत्थर पाए जाते हैं उनमें से निकलते हैं शजर पत्थर और उनके ऊपर जिस तरह की रंगीन चित्रकारी होती है वो अपने आप में अद्भुत है। और दिलचस्प ये भी होता है कि जो शजर पत्थर पाए जाते हैं उनके ऊपर की चित्रकारी एक दूसरे पत्थरों से बिल्कुल मैच नहीं करती, यानी कि बिल्कुल अलग अलग पत्थर और अलग अलग चित्रकारी। शजर पत्थर कुदरत का नायाब तोहफा है। मशीन से तराशने के बाद शजर पत्थर में झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव और नदी की जलधारा के चमकदार रंगीन चित्र उभर आते हैं। बांदा के स्थानीय लोगों के मुताबिक जब शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में किरणें शजर पत्थरों पर पड़ती हैं, तो इन पर आकृतियाँ उभरती हैं। कल्पना से परे है कि पत्थरों पर भी संसार रचा बसा हुआ है। आप देखेंगे अलग अलग रंगों से कैसे रंगीन चित्रकारी प्रकृति की ओर से की गई है। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो इन पत्थरों को तराश कर इन तमाम फूलों को, पेड़ों को बाहर लाने का काम करते हैं। जरा इनसे जानते हैं इसके बारे में। राजेश जी कब से ये काम कर रहे हैं आप? करीब 20 साल हो गया। 20 साल हो गए जी। जी पत्थरों को पहचानते कैसे हैं कि कौन से पत्थर के नदी से निकलते हैं जिसमें इस तरह के प्राकृतिक रंग पाए जाते हैं? पत्थर ये शायद निकलता है नदी पे इस तरह का पत्थर, उसके बाद ये इधर पे लाइनिंग होती है, वो लाइन समझ में आ जाता है इसके अंदर शजर है कि नहीं, इसको शजर बोलते हैं। लेकिन इसकी पहचान क्या होती है जब आप पत्थरों को निकालते हैं तो इसकी पहचान क्या होती है? पहचान थोड़ा सा आइडिया मिलता है, जैसे ये चल रहा है ना, ये आपको दिख रहा है। हाँ। इसको सूद बोलते हैं, मतलब इससे आइडिया लगता है कि अंदर शजर होगा। ऐसा कैसे, आप लोगों ने कभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी ली कि कैसे नदी के भीतर जो पत्थर हैं उनके भीतर रंग आ जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई कहता है कि अमावस्या की रात को कोई चित्रकारी अपने आप हो जाती है, लेकिन अभी इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। ये जो पत्थर है ये कहाँ कहाँ जाता है हिंदुस्तान के अलावा? ये वर्ल्ड वाइड जाता है, जैसे अमेरिका, यूएस वगैरह, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ जाना जाता है। हर जगह जाता जी, है, डिमांड होती है इसकी? जी जी मैम, बहुत डिमांड है। इस पत्थर से क्या क्या बनाया जाता है? मैम रिंग हो गई, लॉकेट्स हो गए, इयर रिंग्स हो गई, ये सब ज्वेलरी में यूज होता है। अच्छा जी, तो फिर जब इसको सेल किया जाता है तो बताया जाता है कि ये शजल पत्थर से? हाँ शजल, ये सब मैम फॉसिल्स हैं। हाँ फॉसिल, हाँ ये नेचुरल डिजाइन है, सब फॉसिल्स हैं। ये सारे नेचुरल डिजाइन है, इसमें कुछ भी अलग से प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रकृति ने भी क्या खूबसूरती बरती है। आप देखिए ये पत्थर जो बिल्कुल सामान्य सा दिख रहा है दूसरे पत्थरों की तरह, लेकिन जब इसी को तराश दिया जाता है तो फिर इसकी आकृति क्या होती है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अलग अलग रंग, इसमें लाल रंग भी है, हरा भी है, काला भी है, नीला भी है, पीला रंग भी दिखाई दे रहा है, और ये सब नेचुरल है, कोई पेंटिंग नहीं है। इस पेंट को प्रकृति ने किया है, वो भी केन नदी के भीतर। यही इस बांदा की बड़ी पहचान है, देश और दुनिया में ये अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। आपको बता दें ये जो पत्थर मेरे हाथ में है अगर हिंदुस्तान में ये जाएगा तो तकरीबन 2,500 के आसपास इसकी कीमत होगी, लेकिन जब यही पत्थर विदेशों में चला जाता है तो 3,500 से लेकर 4,000 तक रुपए में ये बिक जाता है।